ये देखिए अनारसे, जो बिहार की बहुत ही फेमस मिठाई है और ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। इसे चावल से बनाया जाता है। ये मिठाई बाहर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरी और अंदर से खोए की तरह सॉफ्ट। इस मिठाई को बनाना भी बहुत आसान है और इसे एक बार बनाकर 15 दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये ज़रूर ट्राई करें। तो बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इनिट पर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनारसी की गुलिया बनाएंगे, जो खास तौर पर दिवाली में बनाई जाती है और बिहार में इसे तीज के अवसर पर जरूर बनाया जाता है। अनारसी की ये मिठाई खोए की स्टफिन वाली और बिना स्टफिन वाली दो तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज हम बिना स्टफिन के पारंपरिक तरीके से अनारसा बनाना बताएंगे। ये मिठाई हमने अपनी दादी से बनाना सीखा है और अनारसी बनाने का असली तरीका आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। तो चलते हैं किचन में। अनारसी बनाने के लिए हमने 2 कप चावल को पानी में 2 दिन और 2 रात पूरे 48 घंटे भिगोए हैं और हर 8 घंटे पर इसका पानी बदल दिया है, ताकि चावल से असमिल ना आए और ये अच्छी तरह फूल कर सॉफ्ट हो गए हैं। पानी से चावल छानकर इसे एक कॉटन के कपड़े पर पतले लेयर में फैला देंगे और पंखे की हवा में 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक सुखा लेंगे। इसे हमें धूप में सुखा कर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। आधे घंटे बाद चावल से सारा पानी सूख चुका है और ये फरहरे हो चुके हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुए हैं। अगर हम इसे हाथों से क्रश करें तो इसका पाउडर सा बन जा रहा है। तो चावल परफेक्ट रेडी है। इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। इसका पाउडर बनकर रेडी है। पाउडर बहुत फाइन हुआ है तो इसे एक बाउल में छान लेंगे, ताकि चावल के जो टुकड़े रह गए होंगे वो छन जाए। चावल से इतने मोटे टुकड़े निकले हैं, इसे पीस कर दोबारा ले लेंगे। अब चलते हैं हम इस प्रोसेस में। एक बाउल में हम 2 कप चावल का पाउडर लेंगे और उसी कप से 1 कप पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून घी डालकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा गर्म दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करेंगे। अनारसी के लिए हमें डो बहुत सॉफ्ट लगाना है। अनारसी का डो रेडी है। इसे ढककर 8 से 9 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। सब्सक्राइब करिए इंडियन फूड जर्नी YouTube चैनल को और बेल बटन प्रेस करिए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो खाने पर देखने के लिए। 8 घंटे हो गए हैं, हमारा डो भी सेट हो चुका है और ये फूल भी चुका है। इसे एक नींबू के साइज के बॉल निकालेंगे और सफ़ेद तिल में डिप करेंगे, इसका एक बॉल बनाएंगे। सेम प्रोसेस से हम सारे डो के बॉल को सफ़ेद तिल में कोट करके रेडी करेंगे। हमने अनारसी को शेप देकर रेडी कर दिया। अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में घी या कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हाथों में घी अप्लाई करेंगे और अनारसी के बॉल फ्लैट हो गए हैं क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट था, और इसे हाथों पर लेकर फिर से गोल करेंगे। अनारसी फ्लैट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा डो परफेक्ट लगा था। स्मूथ करके इसे सीधा कढ़ाई में डालेंगे। आप चाहे तो अनारसी के बॉल बनाकर उसे सीधा कढ़ाई में डाल सकते हैं। फ्राई करने के लिए हमने घी का इस्तेमाल किया है। घी में इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। जब आप इसे तेल में डालें तो फ्लेम मीडियम होनी चाहिए और सारे अनारसी को तेल में डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि अनारसी अंदर से अच्छी तरह सीख जाए। ये नीचे की साइड से सीख चुकी है तो इसे पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह सीख पाए। अनारसे दोनों साइड से अच्छी तरह सीख कर रेडी हो गए हैं तो इसे स्टेनर पर निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के बचे हुए अनारसे भी बना कर रेडी करेंगे। एक बार के अनारसे को सेकने में 8 मिनट का वक्त लगा है। हमारे सारे अनारसे बन कर रेडी है। इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। अनारसों को एक कंटेनर में भर कर स्टोर करें और 10 से 15 दिन तक इसे इंजॉय करें। ये इतनी स्वादिष्ट बनी है कि गलती से एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया था तो सारी चींटियाँ आ गई पार्टी करने। हमने मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा रख दिया ताकि इन चींटियों का अच्छे से दावत हो सके। हमारा तीज स्पेशल अनारसा बन के रेडी है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रजनी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।